श्रीराम क्रिएशन आर्केस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चलते हैं हमारे जो जामदा में है नृसिंहनाथ ठाकुर, उनके वीडियो बनाने के लिए। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं बाबा नृसिंहनाथ के ठाकुर को दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग बाइक में जा रहे हैं। यह हो गया हमारा रायरंगपुर का हमला डूबा, यहाँ से हम लोगों को सीधा जाना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता भी बता के जा रहा हूँ, मैं तो बना रही है। अगर आप कहीं से भी आइए आपको रास्ता का कोई दिक्कत नहीं होगा। यह हो गया हमारा रायरंगपुर का रेलवे फाटक। अरे 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 गेट गिर गया। अभी ट्रेन जाएगा, उसके बाद हम लोग जा पाएंगे। फाइनली ट्रेन आ गया, इसको जाने देते हैं, उसके बाद चलते हैं भगवान नृसिंहनाथ ठाकुर को दर्शन करने के लिए। वीडियो में तक बना रहिए, सब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आज। फाइनली हमारा ये हो गया हमारा रायरंगपुर का मेन बाज़ार है, यहाँ से भी हम लोगों को सीधा ही जाना पड़ेगा। फाइनली आप लोग पहुँच गए हैं मेन बाज़ार बैगमपुर, यहाँ से बुलाई जाना पड़ेगा। अभी वीडियो में एंड तक बना रहिए और रास्ता में क्या क्या है मैं सब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं रायरंगपुर गोलाई। इस गोलाई से हम लोगों को बाएं तरफ जाना पड़ेगा। बाएं तरफ चलते हैं। इस वीडियो में चलते चलते आप लोगों को बता दूं, हाँ यहाँ से हमें एक राइट टर्न लेना पड़ेगा। राइट तरफ से जाएंगे, आप लोगों को इससे छोटा गली एक दिखाएगा, इस गली में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से करीबन होगा 10-12 किलोमीटर होगा। यहाँ से चलते हैं। चलिए इस वीडियो में आपको बता दूं, इसके बाद मेरा एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग रायरंगपुर का जगन्नाथ मंदिर का वीडियो आने वाला है। अगर आप भी जगन्नाथ मंदिर का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी मैं रायरंगपुर हमारे जगन्नाथ धाम का वीडियो अपलोड करूंगा तब आप देख पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह हो गया हमारा हल्दा चौक। फाइनली हम लोग पहुँच गए हल्दा चौक, यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा। अगर इस बाएं तरफ से जो रोड आया है इसमें जाए कॉलेज चौक बोल का एक जगह है उसका नाम, वहीं से भी आगे यहाँ पे पहुँच सकेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। पाकड़ापट, बाबा पाकड़ापट, यह है उसका मेन गेट। यहाँ से अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा करीब 1-1.5 किलोमीटर, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे जहाँ पे पूजा होता है। आइए चलते हैं वहीं पे जहाँ पे पूजा होता है, वहाँ का वीडियो देखने के लिए।
वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पूजा करने के लिए प्रसाद मिलता है, आइए अंदर चलते हैं, अंदर में देखते हैं प्रसाद। यहाँ सब प्रसाद मिलता है, प्रसाद का दुकान है ये, आप कहीं से भाई यहाँ आपको प्रसाद मिल जाएगा पूजा करने के लिए। प्रसाद पूजा करने के लिए, अगर आप मानसिक भी करेंगे, मानसिक करने के लिए भी सजाया गया है, आप जो मांगेगा आपको मिल जाएगा। पूजा करने के लिए भी, मानसिक करने के लिए भी, यहीं पर दो प्रकार का भोग मिलता है। इधर एक काउंटर, इस काउंटर से आपको मिल जाएगा। इधर भी है पूजा करने के लिए रखा गया है। यहाँ जो प्रसाद बेचते हैं उनके साथ कुछ बातचीत करते हैं। स्वागत करते हैं श्रीराम क्रिएशन आर के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हमारा जो प्रसाद की दुकान के मालिक है उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? गिरीश चंद्र सिंह। आपका घर कहाँ है? कोयपुर। यहाँ हर तरह की पूजा करने के लिए प्रसाद मिलता है? हाँ। और जो बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे पूजा करने के लिए एक प्रकार का भोग होता है और मानसिक करने के लिए एक प्रकार का भोग होता है? हाँ हाँ, अलग अलग होता है। अच्छा, और यहाँ कैसे भीड़ भड़का कैसा होता है? कभी कल ऐसे भीड़ होता है, कभी कल ऐसे थोड़ा बहुत होता है। सर आपका थोड़ा मास्क तो खोलिए, दिखाइए थोड़ा हम लोगों का दर्शक। और यहाँ जब क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत ही बड़ा यहाँ पे मेला लगता है उसको क्या बोला जाता है? जनता मेला बोला जाता है। ये जो जंतर मेला होता है ये कब होता है? ये हम लोग का भाद्र महीना जो एकादश पड़ता है ना, उसी दिन होता है। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौन सा। आपका घर? कोयपुर। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? सुमंत कुमार सरदार। सर मास्टर थोड़ा खुलिए, आपका घर कहाँ पे? कोयपुर। यहीं पे जो हमारा जानताड़ मेला होता है कैसे कैसे होता है? अच्छा, दूर दूर से आते हैं, झारखंड से, बिहार और बालेश्वर, उड़ीसा का सब जगह से इधर आते हैं। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्किंग के लिए यहीं पे जगह बनाया गया है। वहाँ पे एक तो गेट था और अभी मंदिर जाने के लिए और एक दूसरा गेट है, यहीं से आप लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। तो हमारे स्टैंड की देखभाल करते हैं ये भाई लोग हैं, एक और वो भाई है। अगर आप स्टैंड में बाइक या कार या कुछ भी गाड़ी आप रखेंगे तो यहीं पर, ऐसा नहीं है कि इतना देना पड़ेगा, आपका खुशी में जितना दे सकते हैं। यहीं पर रखा गया है बाइक सब, आइए चलते हैं ऊपर। अब यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। यहीं पे कुछ है, यहीं पे देखते हैं क्या है गाइस। इसमें तो कुछ लिखा नहीं गया है, फिर भी देखते हैं थोड़ा, आप लोगों को भी दिखाते हैं अंदर क्या है इसमें। हाँ, यहीं पे भी कुछ पूजा किया जाता है, देखिए गाइस बहुत ही अच्छा दिखता है। चारों तरफ पूरा गेट बनाया गया है, यहीं पे अंदर जाने के लिए गेट है, वहीं पे पूजा होता है अंदर में। ये हो गया एक जगह, और भी जगह, और इधर भी पूजा होता है। इधर का ये देखिए, ये भी छोटा वाला गेट है, अंदर में पूजा होता है। पूजा करके लौट रहे हैं अब सब, देखिएगा ये भी इतना ऊपर जाना पड़ेगा। हाय कर दियो, ठीक है। गाइस देखिए यहाँ से कितना ऊपर अभी हमको हम लोगों को चढ़ना पड़ेगा। इतना बड़ा चट्टानी है, चट्टानी के ऊपर में मंदिर बनाया गया है, अभी चढ़ेंगे। अभी
अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, बहुत ऊपर है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, पूरा थक गए। देखिए कितना बड़ा पत्थर है, हम लोगों का हालत खराब हो गया। ये हो गया मंदिर का मेन गेट, यहाँ से हमें अंदर जाना पड़ेगा। अभी चलते हैं अंदर। गाइस यहाँ से देखिए नीचे कितना नीचे दिखता है, चारों तरफ देखिए कैसे दिखता है, बहुत नीचे है। इस साइड में पूजा होता है, चलते हैं अंदर पूजा करने के लिए। यहीं देखिए गुफा है, इस गुफा में जाना पड़ता है। इतना गुफा है, देखिए कैसे जाना पड़ता है अंदर। देखिए गाइस कैसा गुफा है, देखिए कैसे गुफा है। इतना गुफा के अंदर में मंदिर है। अगर आप कुछ मानसिक करना चाहते हैं अपना कुछ काम कामयाबी के लिए, तो ऐसे आपको यहाँ आना पड़ेगा और इसमें पूजा करने का गुआ और चूड़ी और सालू कपड़ा ऐसे देख आपको ऐसे बांधना पड़ेगा। इसे देखिए गाइस कितना सुंदर दिखता है, ऐसे ही नजारा है चारों तरफ। अगर जब किसी का मानसिक पूरा हो जाता है तो यहीं पे बलि चढ़ाया जाता है। इस बलि चढ़ाने का यही जगह है, यहीं पे बलि चढ़ाया जाता है। अगर आप पकड़ा जंतर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी मैं पकड़ा जंतर होगा उसका वीडियो मैं बना के अपलोड करूँगा, तब तक सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। उसका वीडियो हम आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, वीडियो में तक बने रहिए। ऊपर से देखिएगा कैसे दिखता है इसका नज़ारा। हम लोग पूरा टॉप में है, कितना नीचे दिखता है देखिए। और जब यहाँ पे हमारा एक मेला लगता है, उसको कहा जाता है जंतर मेला। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी यहाँ पे उस मेला होगा उसका वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और अगर आप बेल आइकॉन ऑल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख सकेंगे उस मेला। आइए चलते हैं जहाँ पे पूजा होता है, उसका वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अभी जाएंगे अंदर जहाँ पे पूजा होता है। अब हम जाते हैं जहाँ पर पूजा होता है, वहाँ का वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं, यहीं पे पूजा होता है, यहीं पे बाबा पखना पाठ की पूजा किया जाता है नरसिंह ठाकुर के। यहीं पे थोड़ा राखी से तो बांधवाते हैं, आ जाओ। यहीं पे थोड़ा हम लोग राखी से तो बांधवाते हैं हाथ में, यहीं पे पूजा होता है। अगर आप कभी भी आना चाहते हैं तो संडे को आइए, संडे को यहाँ पूजा होता है, हर संडे यहीं पे पूजा होता है। अगर कुछ आप मानसिक भी करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइए और यहाँ पूजा करके जाइए, अपना मनोकामना पूर्ण होगा। यही है यहाँ का। स्वागत करते हैं श्रीराम क्रिएशन आर्केस यूट्यूब चैनल पर। यहीं पर हमारा पुजारी है बाबा नृसिंहनाथ ठाकुर की, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? आपका घर कहाँ पे है? कहाँ पे?
कोयम वही है, कोई पूर्व। हाँ ठीक है, यहीं पे हर संडे को पूजा होता है। हर संडे को पूजा यहाँ तो मानसिक भी होता है। मानसिक भी होता है। अच्छा, और यहीं पे जो हमारा उसको एक मेला होता है उसको क्या कहा जाता है? नामाजम जनता। नामाजम जनता, नुआखिया, इसको नुआखिया भी कहा जाता है। हाँ। और यहाँ कब होता है? भादो एकादशी। ठीक है, और ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यहाँ थोड़ा राखी तो बंधवाते हैं। पे राखी के सूता बांधा बांधा देता है और गाइस यहीं पे भी पूजा होता है। पहले से हम बोला है अगर आप भी जंतर जंतर पूजा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि जब यहाँ पे जंतर का वीडियो मैं बनाऊंगा अब तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। यहाँ इतना सुंदर माहौल है, अगर आप एक बार आएंगे तो आप यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। वही देखिए कैसा गुफा अंदर में दिखता है, अंदर जाने के लिए डर लगेगा, इतना बड़ा बड़ा पत्थर है। देखिए गाइस और अंदर में पूजा होता है, आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ का पुजारी है यहाँ पे, आइए इनसे कुछ पूछते हैं इनका नाम क्या है। सर आपका नाम क्या है? घर कहाँ पे है? सर आपका नाम क्या है? घर कहाँ पे है? ठीक है, धन्यवाद। ऊपर में पहाड़ के ऊपर में बाबा नरसिंहनाथ ठाकुर है, आप देख सकते हैं कितना हाइट। मोबाइल या यहाँ पे कैमरा भी काम नहीं कर रहा जितना हाइट है, बहुत हैवी हाइट। अगर एक बार आप आएंगे तो यहाँ से आपको जाने के लिए मन भी नहीं करेगा, कमाल है इसका। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।